नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिषेक बच्चन भारतीय फिल्म अभिनेता और सदी के महानायक कहे जाने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। आज के दिन 5 फरवरी 1976 को उनका मुंबई में जन्म हुआ था। अभिषेक बच्चन की माँ जया बच्चन फिल्म एक्टर और राजनीतिज्ञ है। अभिषेक बच्चन को अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 2000 में जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से की थी। इस फिल्म से करीना कपूर ने भी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन अपने अभिनय के लिए अभिषेक बच्चन को फिल्म आलोचकों की ओर से सकारात्मक रिव्यू मिले। अभिषेक बच्चन को बॉलीवुड में लाने में एक बड़ा हाथ उनके पिता अमिताभ बच्चन का माना जाता है, लेकिन इसमें उनकी मेहनत को भी नकारा नहीं जा सकता। 2000 में उन्होंने फिल्म रिफ्यूजी से अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म फ्लॉप रही, पर सबने अभिषेक बच्चन के अभिनय की सराहना की। हालांकि इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की जो पर्दे पर सफल तो नहीं रही, पर लोगों को अभिषेक ने अपने अभिनय से हमेशा आकर्षित किया। 2003 में आई फिल्म मैं प्रेम की दीवानी में उन्हें पहली बार फिल्म फेयर सह अभिनेता के लिए नामांकित किया गया, और इसके अगले ही वर्ष 2004 में फिल्म युवा में उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड प्राप्त हुआ। 2005 उनके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया, जब उन्होंने 4 हिट फिल्में दी, बंटी और बबली, सरकार, 10 और ब्लफ मास्टर की सफलता को ज्यादा दिनों तक अभिषेक बुना नहीं पाए। पर 2006 में फिल्म कभी अलविदा ना कहना के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। इस तरह लगातार 3 बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब जीत अभिषेक बच्चन ने काबिलियत को दर्शा दिया। अभिषेक ने गुरु, सरकार, बंटी बबली और धूम जैसी सफल फिल्मों में बेहतरीन काम किया है। साल 2007 उनके लिए और खुशियां लेकर आया। करिश्मा कपूर से सगाई टूटने के बाद 20 अप्रैल 2007 को अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से विवाह किया। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को आज लोग भारत की सबसे बेहतरीन शादीशुदा जोड़ियों में से एक मानते हैं। हालांकि ऑन स्क्रीन दोनों की जोड़ी ने सिर्फ गुरु में ही कमाल किया। वहीं रावण ने दर्शकों ने अभिषेक ऐश्वर्या को जोड़ी को एक सिरे से नकार दिया। अभिषेक बच्चन जितना अपनी फिल्मों के लिए चर्चा में रहते हैं, उतने ही वह अपने सामाजिक कार्यों, पार्टी और समारोह के लिए भी खबरों में रहते हैं। भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सुजीत कुमार ने हिंदी की अधिकांश फिल्मों में खलनायक का चरित्र निभाया था। अभिनेता सुजीत कुमार भोजपुरी फिल्मों के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं। जब 60-70 के दशक में भोजपुरी फिल्मों की नैया डूबने वाली थी, उस वक्त भोजपुरी फिल्मों में सुजीत ने संजीवनी फूंकने का काम किया, और बस तब से उनका जादू ऐसा चला कि वे बॉलीवुड से पहले सुपरस्टार बन गए थे। आज के दिन 2010 में उनका निधन हुआ था। सुजीत कुमार का जन्म 7 फरवरी 1934 को बनारस में हुआ था। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुजीत कुमार ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि वो भोजपुरी सिनेमा के बेजोड़ अभिनेता बन जाएंगे। अपने समय के प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना के साथ उन्होंने काफी फिल्मों में सहायक अभिनेता की भूमिका निभाई थी। सुजीत कुमार के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री है। यदि सुजीत कुमार की फिल्मी करियर की शुरुआती दौर की बात की जाए, तो सुजीत को फिल्मों में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बात उस वक्त की है जब सुजीत लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने एक नाटक में हिस्सा लिया था। सौभाग्य की बात ये रही कि उस नाटक प्रतियोगिता में जज थे फनी मजूमदार साहब, जो कि जाने माने निर्माता रहे हैं। फनी जी ने उन्हें नाटक का श्रेष्ठ अभिनेता करार दिया और कहा कि तुम फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करते। इस एक वाक्य ने सुजीत कुमार का रुझान फिल्मों की तरफ कर दिया। पहली फिल्म दूर गगन की छाव में किशोर कुमार ने सुजीत को अवसर दिया, लेकिन सफलता पाने के लिए सुजीत कुमार को आराधना का इंतजार करना पड़ा। सुजीत कुमार राजेश खन्ना के ऑन स्क्रीन साथी थे। हाथी मेरा साथी, अमर प्रेम, महबूबा, रोटी जैसी फिल्मों में दोनों के साथ को खूब सराहा गया। राजेश खन्ना के अलावा सुजीत कुमार अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे चोटी के अभिनेताओं के साथ भी अनेक बार नजर आए। अमिताभ की द ग्रेट गैम्बलर, अदालत एवं धर्मेंद्र की जुगनू, धर्मवीर, चरस, ड्रीम गर्ल और आंखें जैसी फिल्मों में उन्हें काफी पसंद किया गया। बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।